सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो अभी हम जाएंगे बाहर, काउसेड का जो त्रिपाल है ना उसको लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जो काउसेड है ना वो उसको गिरा देना है। तो पहले हमें ना वो त्रिपाल का काउसेड मतलब टेंट जैसा बनाना पड़ेगा पशुओं के लिए। तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर देती हूँ। अभी शाम का टाइम है तो थोड़ा बहुत जो भी मिल्किंग वगैरह होती है और किचन का काम होता है थोड़ा बहुत, तो मैंने निपटा ही दिया। ममता बनाएगी खाना और मैं पंकज और पंकज के पापा जी हम थोड़ा सा काम कर लेंगे अभी शाम को ही, क्योंकि दिन को बहुत ज्यादा मक्खी होती है और हमें दिन रात करके ना फटाफट से इस काम को मतलब एडजस्टमेंट करनी है इसकी। तो कल के लिए हमें वो टेंट तैयार करना है तो वो लगाएंगे हम अभी थोड़ा सा। और नया त्रिपाल लाया है आज, उसको भी देखते हैं वो कैसा है। लेकिन जो बांस के पिलर जैसे होते हैं ना, वो पंकज ने छेद डालकर वो गाड़ दिए हैं जमीन में, पक्का पक्का जैसा लगा दिया है उनको। तो अब उससे आगे का जो भी कार्य है उसको करेंगे। लेकिन मैं ना अपना ढाटी देखने आई थी जो मुझे अपने बालों में लगानी है, और फिर उसके बाद चलते हैं काउ शेड में। एक दिन का काम तो है नहीं है, थोड़ा सा भी निपटा लेते हैं, थोड़ा सा फिर कल निपटाएंगे। तो पहले मैं ढाटी देख लेती हूँ फिर चलते हैं बाहर। तो शाम के 8 बजने वाले हैं, 3 मिनट बचे हैं, 7:57 हो गए हैं। और आज हम ना रातों रात ही यहाँ पे गाय के लिए ना काउस वो बनाएंगे, त्रिपाल लगाकर इनको शेड बनाएंगे। तो पंकज के पापा जी यहाँ लटके हुए ऊपर, तो मुझे इनके पास ना रस्सियाँ वगैरह पकड़ानी है। और इस तरफ जो है ना हमने बांस के डंडे लगा लिए हैं और यहाँ से त्रिपाल बनाएंगे इनके लिए ना, पूरा सेट बना देंगे यहाँ पे। क्योंकि अंदर जो बकरियाँ हैं ना वो भी यहाँ यहीं पे बांधनी पड़ेगी, और जो अंदर पहाड़ी गाय है वो भी, ये तो रहते रहते थे और जो पुराना त्रिपाल था उसको निकाल दिया है, वो यहाँ पे है। तो अभी ना यहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला है, अगर दिन को करते इस काम को ना तो पूरा दिन लग जाना था। तो दिन को गेहूँ का काम ख़त्म किया, और आजकल ना कंटिन्यू वीडियो भी नहीं आ रही क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से ना वीडियो एडिट करने को टाइम ही नहीं लग रहा है। तो ये जो ये इसको वहाँ पे रोक दिया था जहाँ पे सांप निकला था। तो अब जब सभी लोग इकट्ठे होंगे ना के ऊपर, हाँ ओके, तो मैं हेल्प करवा लेती हूँ थोड़ा सा। ये पीले वाला त्रिपाल लाया है। अच्छा, पूरा 1 घंटा लग गया रस्सी डालने को। 7:57 पर लगे थे हम रस्सी डालने, और 8:54 हो गए, और अब हमारी रस्सी ना कंप्लीट हो गई। सिर्फ रस्सी डाली है अभी तक। अब इसके ऊपर ना त्रिपाल डाल जाएगा, पार पंकज है, नीचे पंकज के पापा जी, और मैं भी हेल्प करवा रही थी इनके साथ, और ममता खाना बना रही। तो रस्सी तो डाल दी है ना, बस अब इसके बाद इसके ऊपर ना नया त्रिपाल डालेंगे। ये देखो इस तरह से। अभी हमने ऊपर वाला ही त्रिपाल लगाया है, और जो साइड का है ना उसको लगाएंगे कल सुबह। अभी टाइम 9:30 का हो गया है, तो बारिश का मौसम तो ऐसा कल को बताई है, अगले कल होगी पर पता नहीं होगी कि नहीं होगी। लेकिन ऊपर से लगा दिया है और साइड का लगाएंगे कल। और अभी खाना खाकर सो जाते हैं क्योंकि 9:30 से ऊपर का टाइम हो गया है, सभी लोग हट चुके हैं अब अपने अपने काम से। अब जो बचा है ना इसको कल करेंगे कम्प्लीट, ठीक है। तो बादल भी आ चुके हैं आसमान में, और सुबह हो चुकी है, और हम लग पड़े हैं फिर से अपने काम पे। तो इस तरफ से ना जो ऊपर था त्रिपाल वो थोड़ा मतलब रद्द जैसा हो गया था, तो इससे पानी थमलाना मुश्किल हो जाता। तो ऊपर सॉरी, तो ऊपर पीले वाला लगाया ना, इससे अंदर रोशनी हो रही है। चलो देखते हैं अब क्या होगा। ऊपर ना काला त्रिपाल चाहिए था कि ताकि अंदर, अगर अंदर अंधेरा होता तब जाकर फिर
मक्खी कम, और इस साइड को लगाए हैं तापड़ जो हम अंदर बिछाने के लिए बना रखते हैं ना, वो लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिया है और दूसरा मैं बताती हूँ पीछे से, बैक कैमरे से बताती हूँ मैं, वहाँ से देखिएगा। अच्छा, तो एक तापड़ यहाँ से लगा दिया है और एक तापड़ लगा दिया है बड़े वाला यहाँ से, या तो फिर हमें ना एक त्रिपाल छोटे वाला और लाना पड़ना था, पर हमारे पास तापड़ थे तो हमने इसी से ही लगा दिया है। तो बड़े बड़े तापड़ बना कर रखते हैं हम ना पूरे पूरे कमरे के लिए, तो आज वो हमारे काम आ गया है। और अंदर से भी बता देती हूँ मैं, अंदर से ना देखो कितना, मतलब अंधेरा होना चाहिए था, अंधेरा तब होता अगर काला काले वाला त्रिपाल होता तब, यहाँ से भी लगाएंगे कुछ थोड़ा सी रोकथाम के लिए, पर अंधेरा तब भी नहीं होगा क्योंकि ये जो त्रिपाल है ना ये नहीं है, ये अगर काला होता ना तब वो अंधेरा हो जाता। और ये बना इस तरह का कुछ दिन के लिए, जब तक काउ सेट तैयार नहीं होगा ना तब तक यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा पूरे पशुओं को, तो अब रात को भी बाहर ही रहेंगे और दिन को भी यहीं पे रहेंगे, पर आजकल ना मक्खी होती है सबसे ज़्यादा। ये गाड़ी सीधी करने के लिए लाए हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है ना कि इनको कहीं भी नहीं लगी है, ये लेडीज ला रही थी, ये हमारी पंचायत के हैं और ये जो ऊपर गांव है ना वहाँ के ये, तो ऊपर की तरफ जा रहे थे वहाँ से पलटी होगी, पर अपना बचाव हो गया, भगवान का यही शुक्र है। हाँ तो आई पते ग्रह दशा ना नहीं हम जान दी फ्री ना रही है कि ये से ये जी पी ये जी क्या ना क्या के है ना समझ रहा था सब दिया से नहीं अब समझ समझ सी चला था ना कि नीचे से लग लग रहा लर्निंग लाइसेंस का ड्राइवर सीट तो ठीक है, पल्ली भजी है तो ये लगा था नहीं ਖੜ ਮੈਂ ਲਰ ਹੂੰ ਗੰਨੀ ਆਉਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਉਤਰੂ ਮਾਉਗੇ ਨਾ ਬਿਛੜਾਈ